फोर की शुरुआत हुई वीडियो डॉक्यूमेंट आर्किटेक्चर यूनिट फोर क्या था। वीडियो डॉक्यूमेंट की थोड़ी हिस्ट्री है और उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। वीडियो डॉक्यूमेंट से पहले वीडियो चलता था, वीडियो का फुल फॉर्म है एक्टिव डेटाबेस ऑब्जेक्ट। वीडियो डॉक्यूमेंट का फुल फॉर्म है एक्टिव एक्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट, उसमें एक्टिव डेटाबेस ऑब्जेक्ट था। और वीडियो डॉक्यूमेंट का फुल फॉर्म एक्टिव एक्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट, वो क्यों एक्स आया है वो हम लोग अभी बात करेंगे। बिफोर वीडियो डॉक्यूमेंट वी यूज वीडियो टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम डेटाबेस। बेसिकली वीडियो हैज ऑटोमेटिक ड्राइवर डिटेक्शन, जो भी डेटाबेस जहां पड़ा है उसको ऑटोमेटिक वो एज अ ड्राइवर डिटेक्ट कर देता था टेक्निक। एंड इट हैज ओनली वन ड्रॉबैक, दैट इज that it provide only connected environment, so efficiency of system may be decreased. जब भी कोई फ्रंटेंड के साथ डेटाबेस जुड़ता है, फिर वो हमें सक्सेस हो, एक्सेप्ट हो, एसक्यूएल हो, ओरेकल हो, जो भी है, वो हमेशा कनेक्टेड एनवायरनमेंट में रहता है। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इफ एनी यूजर क्लोज द वेबसाइट, क्लोज द मोबाइल ऐप और क्लोज द सॉफ्टवेयर, डेटाबेस कनेक्शन इज एज इट इज। Due to that reason, any attackers or any hackers can hack the data from database. So this is the only drawback, but it was very big drawback of ADO. I would like to repeat the full form of ADO, Active Database Object, and the full form of ADO document is ActiveX Database Object. वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस को डिटेक्ट कर रहा था, बट उसका प्रॉब्लम ये था कि ये कनेक्टेड एनवायरनमेंट में रहता था, मतलब कि जब आप कोई एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट या कोई सॉफ्टवेयर, वीडियो डॉक्यूमेंट में हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं, वो बंद कर देते थे तो भी डेटाबेस है वो कनेक्ट रहता था। इसलिए सिस्टम की एफिशिएंसी डिक्रीज होती थी, क्योंकि बाहर वाले लोग या थर्ड पार्टी अटैक कर या हैकर डेटाबेस हैक कर लेते थे। वीडियो डॉक्यूमेंट इज अ न्यू डेटाबेस टेक्नोलॉजी यूज बाई डॉक्यूमेंट प्लेटफॉर्म एंड इंट्रोड्यूस इन 2002। वीडियो डॉक्यूमेंट सबसे पहले 2002 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ। इनफैक्ट इट इज अ सेट ऑफ क्लास यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन एप्लीकेशन फ्रंट एंड एंड डेटाबेस, दैट इज कॉल्ड बैक एंड। वी ऑलरेडी लर्न द फ्रंट एंड एंड बैक एंड कंपैरिजन, सो ऑल डेटाबेस इज नोन एज बैक एंड। एंड योर वीडियो डॉक्यूमेंट फॉर्म, एएसपी डॉक्यूमेंट वेब पेज या मोबाइल लेआउट, दिस इज कॉल्ड फ्रंट एंड। So for this connectivity, it has some class, also class का नाम होता है for object orientation, that is very important. So database connectivity is done by class based and object orientation. Due to that reason, it is most important that connection is reusable and robust. It support both connected and disconnected architecture. वीडियो था वो क्या था, कनेक्टेड एनवायरनमेंट, जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है सब कर रहे हैं वहाँ पे, वो सिर्फ कनेक्टेड एनवायरनमेंट था। और वीडियो डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड बहुत मोड देता था। मतलब सबसे बड़ा फायदा ये है कि वीडियो डॉक्यूमेंट से यदि आप कुछ काम करते हैं और आप मोबाइल ऐप बंद कर देते हैं तो डेटाबेस अपने आप डिसकनेक्ट हो जाता है, डिसकनेक्ट। कोई वेबसाइट आप एएसपी डॉक्यूमेंट में बना रहे हैं और आपने वीडियो डॉक्यूमेंट से डेटाबेस कनेक्टिविटी की है, तो जैसे ही आप वेब पेज को बंद करेंगे या गूगल क्रोम को बंद करेंगे, डेटाबेस डिसकनेक्ट हो जाएगा। डेटाबेस डिसकनेक्ट होने से थर्ड पार्टी अटैक करके, हैक करके डेटा को थेफ्ट करने का कोई चांसेस नहीं है। सो द बिगेस्ट एडवांटेज इज वीडियो डॉक्यूमेंट इज प्रोवाइडिंग कनेक्टेड एज वेल एज डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर। ओके, अब डिफरेंस बिटवीन वीडियो एंड वीडियो डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाई इट इज वीडियो डॉक्यूमेंट फुल फॉर्म इज एक्टिव एक्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे फिफ्थ और फोर्थ नंबर का पॉइंट देखिए, हियर XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज सपोर्ट और डेटा स्टोर करता है, इसलिए XML का X यहाँ पे आया है। और XML का X यहाँ पे आया है तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ActiveX डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम लोग डिटेल्स देते हैं। इट इज अ कॉम बेस लाइब्रेरी कनेक्शन ऑब्जेक्ट मॉडल, COM कनेक्शन ऑब्जेक्ट मॉडल, एंड इट इज CLR कॉमन लैंग्वेज रनटाइम।
जब तक आपका vb.net और asp.net एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक ये कनेक्टेड रहेगा। जैसे ही आपका clr बंद हो जाएगा, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम बंद हो जाएगा, वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। क्लासिक ईडीओ रिक्वायर एक्टिव कनेक्शन विद इन अ डेटा स्टोर, मतलब कि जो डेटा स्टोर हुआ है वहाँ पे एक स्टेटिक कनेक्शन रहेगा, जिसको हम लोग ये कहेंगे कि एक्टिव कनेक्शन ही रहता है, ये कभी डिसकनेक्ट नहीं होती। radio.net architecture works while the data store it is disconnected, means whenever you close your mobile app, whenever you close your website, whenever you close your vb.net project, it is disconnected. Locking features is available. Database को lock करने का features EDO में था, मतलब कि वो हमेशा connected रहता था, इसलिए वो database को lock करने का features है वो वहाँ पे अवेलेबल था। और लॉकिंग फीचर्स इज नॉट अवेलेबल इन radio.net, व्हाई? बिकॉज इट इज कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड। जब आप कोई एप्लीकेशन रन करेंगे वो कनेक्ट हो जाएगा, जब आप कोई एप्लीकेशन बंद करेंगे फिर वो मोबाइल वेबसाइट हो या radio.net का प्रोजेक्ट हो डिसकनेक्ट हो जाएगा। ओके, चौथा पॉइंट है डेटा इज स्टोर इन बाइनरी फॉर्मेट। इफ एनी डेटा स्टोर इज बाइनरी फॉर्मेट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इफ यू थिंक दैट व्हेन माय नेम इज अभिजीत जडेजा, ए द ASCII वैल्यू इज 65 एंड 65 इज बाइनरी नंबर, आई वुड लाइक टू रिपीट, ए ASCII वैल्यू इज 65 एंड 65 बाइनरी नंबर इज 1100101. If A is represented like that, so it is very difficult when it is decrypted and encrypted, because your original data stored in binary. If you can see the fourth point of radio.net, data storing XML, extensible markup language. So it stored the data as it is. Suppose my home address is F502, then F is represented as F502 as it is, no binary. It stored the data in XML format. Due to that reason, the data encryption and decryption not required and data accessing is faster. radio.net में data का accessing fast होता है क्योंकि ये binary में नहीं, original स्वरूप में data को store करता है। Okay, fifth point देखिए, XML integration not possible. radio में सिर्फ binary होता है तो XML का इंटीग्रेशन कभी नहीं होता है। और radio.net का फिफ्थ पॉइंट देखिए, XML इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि XML जो है उसके अंदर radio.net सपोर्ट है या radio.net के अंदर XML का सपोर्ट है। अब डायरेक्टली एट नंबर के पॉइंट में आई, फायरवॉल माइट बी प्रिवेंट एग्जीक्यूशन ऑफ क्लासिक एडियो, मतलब कि फायरवॉल में डायनेमिक लेवल पे, फायरवॉल के अंदर डायनेमिक लेवल पे डेटा स्टोर होता है, क्लासिफाइड होता है। और सम radio.net हैज फायरवॉल प्रूफ एंड इट्स एग्जीक्यूशन विल नेवर बी इंटरप्टेड, मतलब के ओके, तो इसके अंदर फायरवॉल आपको मालूम है कि कंट्रोल पैनल होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके अंदर फायरवॉल होता है। वो जब भी कोई यूजर कोई सॉफ्टवेयर खोलता है या बंद करता है उसका लॉग मेंटेन करता है, तो इसके अंदर क्या है कि फायरवॉल माइट बी प्रिवेंट एग्जीक्यूशन ऑफ क्लासिक ईडीओ। माइट बी मतलब कि परहैप्स इसके अंदर फायरवॉल उतना स्ट्रांग नहीं था। radio.net हैज फायरवॉल प्रूफ इट एग्जीक्यूशन विल बी नेवर इंटरप्टेड, मतलब कि इन फायरवॉल बहुत सारे डेटाबेस खोलेंगे तो उसका एक डायनेमिक एरे बनेगा, जब डायनेमिक एरे बना देगा तो वो आराम से, आई रिपीट, आराम से बहुत सारे यूजर को डेटा एक्सेस करने की परमिशन देगा, क्योंकि उसमें तो फायरवॉल है वो प्रिवेंट नहीं करता, मे बी माइट बी, बट यहाँ पे फायरवॉल है वो प्रूफ है और इट एग्जीक्यूशन विल बी नेवर इंटरप्टेड, मतलब कि जब भी कोई डेटा सर्च करो या डेटा डालो तो उसके अंदर कोई इंटरप्शन नहीं होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, मान लीजिए कि सत्यार्थ है वो अमेजोन के अंदर साइन अप कर रहे हैं, साइन अप मतलब पहली बार यूजर बना रहा है, रिकॉर्ड इंसर्ट हो,
अब वही अमेजोन नाम की जो मोबाइल ऐप है या वेबसाइट है उसके अंदर सी डिवीजन की पंक्ति है, आदित्य है, अभिजीत है, निधि है और रुद्र है। ये लोग प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट का टेबल होता है उसमें अलग अलग सर्च कर रहे हैं, जैसे कि पंक्ति और निधि है वो एडिडास या रिबॉक के शूज सर्च कर रहे हैं, मैं आदित्य और रुद्र एक मे बी हमको एक स्पोर्ट्स की जो कोई चीज़ें हैं या मान लीजिए डंबल्स है या कोई स्पोर्ट्स किट है या जिमनेशियम की किट है वो सर्च कर रहे हैं। मतलब कि टोटल 6 यूजर में एक यूजर डेटा इंसर्ट कर रहा है, 5 यूजर वो डेटा सर्च कर रहा है। तो डायनेमिक लेवल के ऊपर जब ये मैंने उदाहरण दिया तो 6 लोग, बट एट अ टाइम जब भी कोई ऑफर वगैरह होता है तो करोड़ों यूजर इंडिया में से ही, रिपीट करोड़ों सर मिलियन ट्रिलियन मिलियंस ऑफ यूजर्स अमेजोन के प्रोडक्ट का जो मेन टेबल है उसमें डेटा सर्च भी कर रहे हैं, कोई कोई परचेज कर रहे हैं, कोई कोई लॉगिन कर रहे हैं, कोई कोई साइन अप कर रहे हैं। उस टाइम पे डेटा को प्रिवेंट सिर्फ और सिर्फ एडियो ब्रॉडनेट ही कर सकता है और वो डेटा को इंटरप्ट नहीं होने देगा, क्योंकि अभी 5 लोग मान लीजिए मैंने उदाहरण दिया वैसे मैं आदित्य रुद्र निधि एंड पंक्ति, ये 5 लोग डेटाबेस अमेजोन के डेटाबेस के प्रोडक्ट टेबल के ऊपर ही काम कर रहे हैं, डेटा इंटरप्ट नहीं होगा, डिस्कनेक्ट नहीं होगा और डेटा आने में कभी कोई देर नहीं होगी। सो दिस आर द मेन 6 पॉइंट दैट वी डिस्कस, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और आठवां पॉइंट। बीच वाले पॉइंट मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 6 पॉइंट हो गए नहीं। सातवा पॉइंट है एडीओ का फुल फॉर्म एक्टिव डेटाबेस ऑब्जेक्ट, आई रिपीट एक्टिव डेटाबेस ऑब्जेक्ट, और एडीओ डॉट नेट का फुल फॉर्म है एक्टिव वैक्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट। और एक्टिव वैक्स इसलिए कि मेरा चौथा नंबर के पॉइंट के ऊपर अभी कसर घूम रहा है, एक्सएमएल का एक्स जुड़ गया क्योंकि एक्सएमएल के द्वारा डेटा स्टोर भी होता है, एक्सएमएल का सपोर्ट भी होता है, फायरवॉल का भी सपोर्ट होता है। ड्यू टू दैट रीजन एडीओ डॉट नेट इज मोर पावरफुल, मल्टीपल यूजर एक्सेस द सिंगल टेबल इट कैन इजीली वर्क, इसमें CLR होता है कॉमन लैंग्वेज रनटाइम, जब तक रन होगा तब तक कनेक्शन होगा, जब आप रन बंद कर दोगे तो डिसकनेक्ट हो जाएगा, इसीलिए वीडियो डॉट नेट कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड आपकी फीचर दिखाता है, वीडियो हमेशा कनेक्टेड दिखाता है, ये आपका डिफरेंस था। ओके, लाइब्रेरी जैसे हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग के अंदर इंपोर्ट सिस्टम डॉट IO ऊपर डिक्लेयर किया था उसको हम लोग लाइब्रेरी कहते थे, उसको नेम स्पेस भी कहा जाता है। नेम स्पेस मीन्स लाइब्रेरी एंड बाई दिस लाइब्रेरी ओनली यू कैन कनेक्ट एनी टाइप ऑफ डेटाबेस फॉर एडीओ डॉक्यूमेंट। इम्पोर्ट सिस्टम डॉट डेटा का मतलब है एनी डेटाबेस कनेक्टिविटी इज पॉसिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ डेटाबेस कनेक्टिविटी यू मस्ट राइट इम्पोर्ट सिस्टम डॉट डेटा। मतलब कि जब भी हम लोग एडीओ डॉक्यूमेंट सीखेंगे या प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे तब इम्पोर्ट सिस्टम डॉट डेटा तो होगा ही होगा। ओके, इट कंटेन्स द कॉमन क्लासेस कनेक्टिंग फीचर्स लाइक डेटाबेस क्लास, लाइक डेटा टेबल, डेटा सेट, डेटा व्यूअर टेक्स्ट। दूसरी लाइब्रेरी है इम्पोर्ट्स सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, इट मीन्स फॉर ओनली SQL सर्वर इन बिल्ट। जब आप डेटाबेस विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं तब एज अ डेटाबेस के स्वरूप में SQL सर्वर इन बिल्ट आ जाता है, और हमारे सिलेबस में वी यूज इनबिल्ट SQL सर्वर। ड्यू टू दैट रीजन वी मस्ट से दैट कि वी यूज इम्पोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। सो whenever we will work with the practical we have to declare first library or first namespace import system.data and second library is import system.data.sql client. Okay, next is system.data.oracle client for Oracle. If you want to connect Oracle as a database backend you use import system.data.oracle client for Oracle. Next is import system.data.oldb object linking and abandoning database, O for object, L for linking, E for abandoning, DB for database, for any database. Which type of database is that? It is MS Access,
DB2, Oracle, SQL Server, MySQL, Wisp, all major database can be connected over here. Next is import system.data.odbc, object database connection, O for object, DB for database, C for connection. By this you can connect Excel. OLEDB के द्वारा कौन कौन से डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं? Access, DB2, Oracle, SQL Server, MySQL. Means OLEDB के द्वारा almost हर एक डेटाबेस कनेक्ट हो सकता है. But वो as a object linking and everything. But Excel, MS Excel, MS Office के अंदर Excel होता है. You know it very well. If you want to connect the primary database like MS Excel, you must use ODBC, Object Database Connectivity. Object database connectivity, ODBC. So if you want to connect as an Excel backend, you can use it. अब ये ADO.NET architecture है. ADO.NET architecture में पांच पांडव हमेशा याद रखिए, क्योंकि यहाँ जो आपको दिख रहा है वो आपका बैकएंड है, डेटाबेस, डेटा सोर्स. ऊपर जो दिख रहा है जहाँ मेरा कर्सर है, जहाँ पे बिन फॉर्म मतलब विंडोज फॉर्म ADO.NET, वेब फॉर्म मीन्स ASP.NET, मोबाइल एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन, मतलब कि ये ऊपर का जो बॉक्स दिख रहा है, दिस इज योर फ्रंट एंड. नीचे जो दिख रहा है डेटा सोर्स, जिसको डेटाबेस भी कहा जाता है, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, दिस इज कॉल्ड बैक एंड. और बीच में जो चीज है वो ADO.NET आर्किटेक्चर है, जिसमें पांच पांडव है, पांच क्लासेस है. वन बाय वन देखे, कनेक्शन, कनेक्शन एडप्टर, डेटा एडप्टर, डेटा सेट, देन कमांड एंड डेटा रीडर. 1, 2, 3, 4, 5, दिस 5 ADO document. एज पर फिगर व्हाट यू कैन सी, connection is a class that always connected with database. So connection class is must for everyone, because when you want to start the connectivity, you must know the connection class where my cursor is moving. If you do not understand the connection class, your database cannot connect. So connection class is most basic class that always connected with the database or data source. Then after, if connection use adapter, then adapter is depend on data set, and then your data will pass from connection to adapter, adapter to data set, and it will pass either on your DB.NET, ASP.NET, console application, JSP, mobile application, anything. Your path will be database, connection, adapter, and data set. Okay, now if you want to perform insert, update and delete, if you want to insert the record, if you want to update the record, if you want to delete the record, what is the path? Database, then connection. Connection will pass with command, insert command, update command, delete command. These are the DML command that you learn in Oracle. Insert into, update, delete star from. This command will execute. And if your command is executed, then it will pass to that directly your front end, either it is in DB.NET, ASP.NET, or other application. So if you want to perform insert, update, or delete, your path is database, connection, command, and directly approach. Okay, now it is very important. If you want to read the data, search the data, select the data, there is two options: database, connection, adapter, data set, and this one. Select query can perform this. But if you want to perform the logical connection in login, suppose I would like to log in with my email ID and password. I entered the email ID and password. If it is correct, it shows me the message, you are successfully logging. Thank you, Dr. Abhijit Singh Jadeja. So if only one row will verify, it will provide the answer true or false.
if username and password is available, then true. If your username and password not available, then false. The path is database, connection, command, and data reader. As per the name, this is data reader, data read. And then it will pass to the front end, either it is VB.NET, ASP.NET, or any other application. So it is very easy to understand. If you want to perform insert, update, and delete, I am repeating, my friends, please kindly consider my dear learners and students, database, connection, command, three command, insert, update, delete, and that command is execute and it will pass to front end. Okay, if you want to search the data, select query, there is two options, database, connection, adapter, data set, and pass to front end. But if you want to check the logical connection, like email ID and password you enter, and that check that email ID and password is okay or not. Suppose you want to log in Facebook. If you want to log in Gmail, what do you provide? Yes, my friends, you provide email ID and password. For that, database, connection, command, data reader, read the row. If row is available, true, user found. If row not available, email and password not matched, record not found, sorry, you are not logged. So within this, I'm completing the C++.NET architecture. Thank you so much. Thanks a lot.